नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो नमाज के लिए अलग कमरे पर हंगामा। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, बैरिकेटिंग तोड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष को भी लगी चोट। धुरवा से आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने रोका। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आवंटन और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा का घेरावा किया है। कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने का प्रयास किया, इसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बाह में चोट लगी है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरी सुरक्षा में लगे जवानों ने मुझे बचा लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। मरांडी ने कहा है कि सरकार नियोजन नीति, बेरोजगारी, बेकारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय के बाद भी सरकार इससे भाग रही है। संविधान जिसकी इजाजत नहीं देती है, इसके बाद भी मजहब विशेष के लिए कमरा आवंटित किया गया है। विधानसभा में मजहब विशेष के लिए कमरा आवंटित करना सही नहीं है। अगर राज्य को मजहबी राज्य बनाने की कोशिश करेगी तो पार्टी इसका विरोध करेगी। आज इसी के विरोध में राज्य भर के लोग विधानसभा घेरावा करने पहुंचे हैं। लाठीचार्ज के बाद पार्टी के बड़े नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। मरांडी ने कहा है कि महिलाओं और निहत्ते कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। बीजेपी सिर्फ नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस लेने की मांग करने जा रही थी, इसके बाद ही हमला किया गया है। रांची की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं इधर बीजेपी के विधानसभा घेरावा कार्यक्रम के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अरगोड़ा चौक से लेकर विधानसभा तक हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड मौसम विभाग से बन रहा है निम्न दबाव, 12 से राज्य में दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर को फिर निम्न दबाव बन रहा है, इसका असर 12 सितंबर से झारखंड में दिखेगा। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 12 और 13 सितंबर को पूरे झारखंड में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। राज्य में अभी भी निम्न दबाव बना हुआ है, इस कारण आज बुधवार को पूरे राज्य में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश सुबह से ही हो रही है। वहीं दोपहर बाद भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल 9 से 11 सितंबर तक बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के उद्यमी संदीप मुरारका की पुस्तक अनकही जनजातीय गाथाएं का मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने किया विमोचन। जनजातीय समुदाय के महान व्यक्तित्वों पर लिखित पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स के तीसरे भाग अनकही जनजातीय गाथाएं का विमोचन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। जमशेदपुर के उद्यमी व लेखक संदीप मुरारका की इस पुस्तक में वैसे 20 आदिवासी व्यक्तित्वों की संक्षिप्त जीवनी है जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त है। इसमें 8 वैसे आदिवासी व्यक्तित्वों का भी परिचय शामिल हैं जिन्होंने देश के उच्च दायित्वों का निर्वहन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो गोरखपुर, धनबाद, बेगूसराय में बम्फर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए गोरखपुर, धनबाद, बेगूसराय में बम्फर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में 44 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार HURL की आधिकारिक वेबसाइट www.hurl.net.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे मिले 14 नए कोरोना संक्रमित, 10 रांची के। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें 10 मरीज रांची के हैं। रांची के अतिरिक्त साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम और बोकारो के एक एक मरीज मिले हैं। वहीं कुल जो 11 मरीज स्वस्थ होकर घर चल गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 56,155 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 129 है। वहीं 5,133 लोगों की मौत अब तक कोरोना की चपेट में आने से हो गई है। राज्य में अब तक 1,33,66,127 सैंपल की जांच हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 8 साल में धनबाद को मिलेगी 245 बसें। राज्य में धनबाद से शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। फर्स्ट फेज में मिलेगी 40 बसें। एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत शहर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को लेकर निगम ने कायाबंद तेज कर दी है। झारखंड में सबसे पहले धनबाद से ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने नगर निगम को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। निगम ने रूट
रूट निर्धारण का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। बसों का परिचालन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट 8 साल का है। इस पर कुल जो है 929 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बसों की खरीदारी प्रत्येक साल की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक साल धनबाद को 40 से 45 बसें मिलेगी। बसों की खरीदारी केंद्र राज्य सरकार और नगर निगम की राशि से की जाएगी। केंद्र सरकार का शेयर 30%, राज्य सरकार का 35% और निगम का हिस्सा भी 35% होगा। ट्रांसपोर्ट संचालन को लेकर जो है जुड़को में छह जो कंसल्टेंट एजेंसियों की सूचीबद्ध किया गया है। ये एजेंसियां 11 सितंबर को धनबाद में नगर आयुक्त स्वतंत्र कुमार के समक्ष बस परिचालन को लेकर प्रेजेंटेशन देगी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो एनडीए की परीक्षा में अब लड़कियां भी हो सकती है शामिल। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नेवल अकादमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ करने को लेकर केंद्र सरकार नीति और प्रक्रिया पर काम कर रही है। सरकार ने दोनों संस्थानों में महिला कैंडिडेट्स को दाखिल देने का फैसला लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने का काम अभी जारी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एस के कोच की बेंच ने कहा कि हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि सशस्त्र बलों ने खुद ही महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। बैच ने केंद्र को हल्फनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अब 22 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जमशेदपुर में मंदिर में चोरी। हनुमान मंदिर से दान पेटी तोड़ पैसे की चोरी। सीसीटीवी में दिखे दो बदमाश। चोरी से लोगों में आक्रोश। मानगो थाना से थोड़ी दूर पर स्थित हनुमान मंदिर के दान पेटी तोड़ दो बदमाशों ने उसमें रखे पैसे की चोरी कर ली है। मंदिर कमेटी ने लोगों ने दान पेटी से करीब 2 लाख रुपए की चोरी होने का दावा किया है। बुधवार सुबह 5 बजे मंदिर कमेटी ने लोगों की चोरी की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। फुटेज में 1:46 पर दो चोर मंदिर प्रवेश करते दिखे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि सबसे पहले चोरों ने पुजारी के कक्ष का ताला रोड से तोड़ा, मंदिर की चाबी निकाली और अंदर प्रवेश किया। फिर अंदर रखे दान पेटी को तोड़ा और उसमें रखे पैसे निकाल लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस चोरों का पता लगा रही है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की सह प्रभारी मनोनीत कोडरमा की सांसद और राष्ट्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव समिति की सह प्रभारी मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर संगठन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। वहाँ चुनाव में जातीय आधार बड़ा मायने रखता है। पिछड़ा खासकर यादव जाति का वोट भाजपा के पक्ष में करने के लिए अन्नपूर्णा की भूमिका कारगर हो सकती है। वर्ष 2019 राजद चोर भाजपा में शामिल होने के बाद अन्नपूर्णा देवी को पार्टी जहां एक और संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारी दी है, वहीं उन्हें केंद्र की ओर से भी शामिल किया गया है। भाजपा में शामिल होते ही उन्हें सबसे पहले कोडरमा संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हवा को साफ सुथरा बनाने को खरीदी जाएगी 3 वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मोगन। राजधानी की अबू हवा को ठीक करने और हवा से धूल धक्कड़ को खत्म करने के लिए नगर निगम वाटर स्प्रिंकलर खरीदने जा रहा है। 3 वाटर स्प्रिंकलर खरीदने का फैसला हुआ है। 12 चक्कर वाहन पर लगी यह वाटर स्प्रिंकलर मशीन राजधानी की हवा को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाएगी। इसके अलावा 3 एंटी स्मोगन भी खरीदी जा रही है। 1 एंटी स्मोगन की कीमत 80 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। एंटी स्मोगन भी 10 चक्का वाहन पर लगी मशीन होगी जो धूल और अन्य जहरीले कणों से वायु को मुक्त बनाएगी। इस बात की जानकारी रांची नगर निगम में आयोजित इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर जो है ब्लू स्काइज के मौके पर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो संघों की बैठक, शहर में भी चलते हैं 8000 ऑटो। 16 सितंबर से सिर्फ 2500 को हुई इजाजत। धनबाद शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीटीओ कार्यालय में डीटीओ ओम प्रकाश यादव और ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के साथ ऑटो संघों की बैठक। शहर में चलने वाले ऑटो की संख्या निर्धारित कर ली गई है। तय हुआ है कि शहर में अब 2500 ऑटो ही चलेंगे। अभी तक शहर में 8000 ऑटो चलते हैं, बाकी ऑटो शहर के बाहरी इलाके में चलेंगे। इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संघों ने 2500 ऑटो पर अपनी सहमति जताई है। 16 सितंबर से ऑटो को लेकर नई व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी विधायकों ने नियोजन नीति बिल की कॉपी पाड़ी। सीएम बोले आदिवासी जमीन पर कब्जे की होगी जांच। झारखंड विधानसभा में आज सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने नियोजन नीति बिल की कॉपी फाड़ दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने पहुंच गए। सदन में हंगामा होने लगा। प्रभु प्रताप शाही रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया था। सवाल का जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष के सभी विधायक आसन के सामने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने नियोजन नीति की कॉपियां फाड़ी। सदन में जो है विपक्षी विधायक हेमंत सोरेन होश में आओ के नारे लगा रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में आदिवासी जमीन पर कब्जा और हस्तांतरण की शिकायत पर कहा कि राज्य सरकार गंभीर, विधानसभा कमेटी से कराई जाए जांच।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।